हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चने की दाल और पालक की भाजी की रेसिपी। ये सिंपल सी दाल फ्राई खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है, इसे एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कुकर ले लीजिए और उसे गैस पर रखकर गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए। उसमें हमने 2 टीस्पून तेल डाल दिया है और उसे हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 10 कली बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ और 1 प्याज चापकी हुई है। अब हम सिर्फ इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, वो भी आधा आधा, और आधा आधा हम तड़के के लिए बचा लेंगे। सबसे पहले लहसुन डालेंगे। लहसुन जब थोड़ा सा सुनहरी फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम अदरक डाल देंगे। लहसुन सुनहरी फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम अदरक डाल देंगे और अदरक को भी हम आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, अदरक को भी हमने आधे मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारी बारीक कटी हुई पालक। ये पालक हमने आधा किलो ली है और इसे अच्छी तरह से वाश करके इसे काट कर रख लिया था, वो इसमें हम डाल लेंगे। लीजिए, पालक डल चुकी है। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए आधे मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, ये आधे मिनट के लिए भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पालक को हमें 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है और गैस की फ्लेम को हम हाई पर ही रखेंगे। पालक को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे धुली हुई चने की दाल 1 कटोरी है ये, इसे हम इसमें डाल देंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दाल को भी हम पालक के साथ 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। ऐसा करने से दाल एक तो जल्दी भी गल जाती है और ये टेस्टी भी बहुत बनती है। लीजिए, ये 1 मिनट के लिए भून चुकी है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम 2 लोटे या फिर 1 लीटर पानी इसमें डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर 1 टीस्पून। 4 टमाटर लिए हैं हमने, उसे देखें 20 से इस तरह से कट लगा लिए हैं, वो इसमें साबित ही डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुकर के ढक्कन को हम लगा देंगे। और फिर लगाने के बाद इसमें हम 3 सीटी लगवा लेंगे। दालें बॉइल्ड हो चुकी हैं। ये देखिए, हमने टमाटरों को निकाल कर मैश कर लिया था और दाल को हल्का सा घोंट लिया था। ये देखिए, अच्छी तरह से घुट चुकी है। ये देखिए, हमें इसे इतना ही रखना है, इसमें कोई पानी वगैरह हमें शामिल नहीं करना है। अब इसे हम सीधा तड़का लगा लेंगे। इसके लिए दाल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसमें से खुशबू आ रही है और दाल बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तड़के के लिए एक पैन में हमने वेजिटेबल ऑयल डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हींग का पाउडर। साथ ही इसमें डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच जीरा। जीरा क्रेकल हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक कटे हुए जो हमने बचाए थे, 3-4 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च को हमने बीच से चीर लिया था, वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याजों को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याजें गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दाल में तड़का लगा देंगे। ये देखिए, दाल में तड़का लग चुका है। सिंपल सी चने की दाल और पालक की भाजी बनकर रेडी हो चुकी है। ये दाल खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। गर्मा गर्म चावल के साथ इसे परोसिए, साथ ही आम की लौंजी और चटनियाँ हो तो क्या ही बात है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल का आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।